हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार सरकार सफाई दे रही है और विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा। मनोज झा ने इस पर सवाल उठाए। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने मनोज झा से खास बातचीत की है। जो बाढ़ आई हुई है इस वक्त, उसने कोरोना वायरस के ऊपर एक डबल इम्पैक्ट कर दिया है। और जो हम पुल भी देख रहे हैं, कई सारे वहां पे पुल जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। ये जो सबसे बड़ा पुल वहां पर बताया जा रहा था, इसे बनाने में 8 साल लगे, वो सडनली एक महीने के अंदर अंदर ध्वस्त हो गया है। देखिए, बिहार पूरे देश के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोरोना का स्पाइक जिस तरह बिहार में है, नींद में थी सरकार। नतीजे में क्या हुआ कि अब अचानक से आपके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। लॉकडाउन को आपने वैक्सीन मान करके आराम से नींद ली। अब जब आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि लोगों को इंस्टीट्यूशनल केयर दे पाए। चिंतित हूं। अब बाढ़ का खतरा, अब क्या है ना कि कोरोना में आप फिजिकल डिस्टेंस फॉलो करेंगे, बाढ़ उन डिस्टेंसेस को तोड़ देती है। तो ये बिहार, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक कोहराम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब इस पुल का लीजिए, संभवतः 300 करोड़ के आसपास कुछ कम लगे थे, 8 वर्ष लगे, ढहने में 28-29 दिन लगे। रिश्तों के मध्य के पुल बहुत पहले तोड़ चुके थे ये लोग, अब इलाकों के मध्य के पुल टूट रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। धन्यवाद आपका, आप मुझसे सवाल पूछने आई, मैंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तेजस्वी जी ने वहां बिहार में कहा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 2 दिन बाद ये खबर खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिहार की पूरी सरकार, उनकी चिंता चुनावी घोटी में है। कोई फर्क नहीं पड़ता पब्लिक एक्सचेकर के पैसे का क्या हो रहा है, कोरोना से कैसे निपट रहे हैं। अगर इस तरह के ऑटो पायलट मोड में आप बिहार को छोड़ रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएगी कि मुश्किल होगा संभालना। और वहीं जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, वो कह रहे हैं कि उद्घाटन के महज 29 दिन बाद पुल टूटने की जांच होगी और जांच में मिले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। भ्रष्टाचार राजद की संस्कृति, उनका संस्कार, उनकी विरासत और उनकी पहचान है। और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार का फूल कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। गोपालगंज बांध को लेकर जो मिट्टी के कटाव या ज्यादा जल के डिस्चार्ज को लेकर के जो सवाल उठे हैं, या ये गुणवत्ता की कमी को लेकर कहीं इस निर्माण में कहीं कोई कठिनाई आई है, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें समय आने पर स्पष्ट हो जाएगी। और जहां तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पुल, पुलियों और महासेतु के जरिए राज्य का जो विकास किया है, इस तरह की अगर कोई बात हुई है तो निसंदेह इसकी जांच होगी और जांच से जो निष्कर्ष आएंगे उसके आधार पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी।